चैप्टर टू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आज हम लोग तीन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, 51, 52 एंड 53। ठीक है, 51 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। यादू, विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। द फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। जरा अंडरलाइन कीजिए, यहाँ क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दिया है। ये शब्द से भी हमें समझ आएगा, ये वर्ड से भी समझ आएगा कि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन है। अब चाहे इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो या ना हो, यहाँ फिक्स्ड कैपिटल वर्ड दे दिया, इट मींस ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है जी। ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 2018 यादव गेव अ लोन ऑफ ₹80,000 टू द फर्म। देखिए, इनकी ओपनिंग कैपिटल आपके पास दी हुई है अप्रैल 18 की, यानी ये वाला जो ईयर है 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2019 तक चलेगा। तीनों की कैपिटल दी हुई है और यादव ने लोन दिया है, ठीक है, फर्म को लोन दिया है 80,000 का। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है जरा सुनिएगा। पार्टनर्स फॉर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन रेंज जो है वो 8% चार्ज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज मंथ की चार्ज होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन देख करके पता चलेगा कि ड्रॉइंग्स की डेट दी हुई है या नहीं दी हुई है। देखिए लिखा है द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,53,000। जरा ब्रैकेट वाली चीज को इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना जिसके पास बुक है। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यादूज लोन। जो यादू ने 80,000 का लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट 2,53,000 है। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करके ही प्रॉफिट चाहिए होता है, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। राइट, आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 प्रॉफिट है 2,53,000। ठीक है जी। पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज, यादू का 80, विदु का 70 और राधु का 50। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है, यानी इसका मतलब यहाँ पे एवरेज 6 मंथ का जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना करके बताना है 31 मार्च 2019 का। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन 51, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। आप समझिएगा डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट यहां लिखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहां पे आपके पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट 2,53,000 का। ठीक है जी, ये 2,53,000 का प्रॉफिट हमने एज इट इज लिख दिया। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पे लेस करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी लेस किया हुआ है क्वेश्चन में, समझने वाली बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे रखा है बेटा, देखिए 6% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे जो वर्ड लिखे जाएंगे वो थोड़े से ध्यान देने वाले हैं। यादू का करंट अकाउंट, करंट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेंशन है वो है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेंशन होती है, इट मींस यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट्स बने हुए हैं। यादू का करंट, विदु का करंट और विदु में वी आई डी ओई है सिर्फ, है ना, वी आई डी ओ विदुस करंट, और थर्ड वर्ड है जो राधु, राधु का करंट अकाउंट। देखिए इनकी जो कैपिटल दी हुई है 9 लाख का 6%, 9,654,000। ठीक है, 9 लाख का 6% है। विदु आप चाहो तो मैं ऐसे ब्रैकेट में आप लोगों के लिए मेंशन कर सकता हूँ 54,000। विदु का जो अमाउंट है वो 5 लाख है कैपिटल, यानी 5 लाख का 6% 30,000 और 4 लाख का 6% 24,000। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे तो 20, 50, 70, 30, 1,08,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 8% हमें चार्ज करना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों की आपके पास दी हुई है, यादू का करंट, विदु का करंट और राधु का करंट। देखिए जी, अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 80,000 का
8% 6/12, ये याद होगी। 80,000 का यहां बार लिखूं क्या, 8% इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व आपको दिखेगा नहीं। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इनकी, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट साइड में ना ज्यादा अमाउंट नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 80,000 का 8% इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व, यह आएगा 6400 का आधा, 6400 का 3200, ठीक है जी। याद हूँ ऐसे ही विदु का करंट अकाउंट मैं सबके आगे मेंशन करूंगा कि इनका कितना कितना अमाउंट निकल रहा है। 70,000 का 8% 6/12, ये 2800 आएगा, 7 8 56 होता है, 5600 का आधा। यादू विदु और राधु, ठीक है। राधु का करंट अकाउंट आएगा जो, वो आएगा 50,000 की इसकी ड्राइंग है। ड्राइंग का अमाउंट देख लीजिए आप, है ना, तीनों का 80, 70 और 50 दे रखा है, और 6% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ये 2000 रुपए है, और टोटल मिलाकर के 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 हुआ, ये 8000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है, ठीक है जी। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है भाई, है ना। हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये वैसे भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, 253 और 8, 2,61,000, 261 में से अगर हम लोग लेस कर ले 1,08,000, 1,08,000 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 0,00,011 में से 8 गया 3,5,52 में से बन गया 1,153, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना आएगा बेटा 4,33 का रेशियो है। यादू विदु और राधु, देखिए मैं इसके आगे करंट वर्ड मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये 153 को भी यहाँ पे डिवाइड करके दिखाना है आपको, या चलिए कर देते हैं, आ जाएगा 1,53,000 इंटू 4 / 10, इसका हिस्सा कितना है, क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा है 4:3:3 दे रखा है, मतलब 4/10 वाला पार्ट जो है वो किसको मिलेगा, यादू को, तो 15,300 × 4, 15 × 60, 3 × 12, 61,200, ठीक है। विदु का करंट अकाउंट आप चेक करती जाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जी आंसर, 1,53,000 × 3/10, 15 × 45,900, और उसका भी 45,900 दिया है, सेम 153 × 3/10, ये आपका आंसर मैच हो गया 2,61,000। एसएस ले लो बेटा, क्वेश्चन 51 डन। पता है ये क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे करवाने लायक नहीं था, बस एक जगह अगर आपने मिस्टेक नहीं की हो, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट पे लिखा था आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट 2,53,000, अगर बिफोर होता ना तो मैं यहाँ से माइनस करता, इस 253 में से माइनस करता इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितना होता वो 6% विदाउट इन्फॉर्मेशन, 6% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते लोन पे, 80,000 का 6% पूरे साल का ही करते है ना वो, तो चलिए जी एसएस के लिए, पूरे साल का नहीं होता, नवंबर 18 को दिया है इसने, तो आप नवंबर दिसंबर 5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके माइनस करते, कब, जब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि वो बिफोर होता, अगर आफ्टर की जगह बिफोर होता, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट हमारे पास 2,53,000 था तब, ठीक है जी। एसएस ले लो बच्चों अच्छे से, आइए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 52 पे, बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन 52 को, है ना। देखो जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा रहती है, क्या ये जो प्रॉफिट है इसमें से अप्रोप्रिएशन जितना हो रहा है क्या वो सफिशियंट है, जैसे इस क्वेश्चन में तो 1,08,000 रुपए हो रहा है, मैंने मेरे मन में कैलकुलेशन डाला था पहले कि 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, और हमारे पास प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, याद है ना, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने बढ़ाया था आपको कि कभी भी अप्रोप्रिएशन जो है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। तो आइए जरा क्वेश्चन 52 में यही चीज है, हटा रहा हूं बेटा मैं इसे, अब आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस इजी लगने लगे होंगे अभी,
क्वेश्चन 52 देखिए क्या कहता है बेटा। कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर कबीर का 5,20,000, जोरावर का 3,20,000 और पारुल का 2,00,000। ये सारी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, राइट है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कबीर और जोरावर को दोनों को 24,000 का हमें सैलरी देना है, राइट। पारुल को कमीशन देना है 2% ऑफ सेल्स, ठीक है, दे देंगे जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% अलाउ करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 5% चार्ज करना है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का, ठीक है जी, देखते हैं। लिखा है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 50 लाख रुपीज की सेल्स हो रही है, 50 लाख का 2% अगर आप निकालोगे तो 1 लाख रुपए हो जाएगी इसकी कमीशन, है ना। चलिए जी आगे आते हैं। ड्रॉइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की दोनों ने ड्रॉइंग की है और नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,55,500 का आ रहा है, ठीक है जी। अब आपको एक चीज जो समझनी है वो ये है, देखिए यहां पर आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है, आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन करके पढ़ करके डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया। बेटा मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा कम लग रहा है अभी, कि मेरे पास जितना अप्रोप्रिएशन दिया हुआ उतना प्रॉफिट है क्या? तो आप देख रहे हैं 1,55,500 रुपीज का अवेलेबल प्रॉफिट है, ठीक है। और अब मैं ये देखता हूं कि जो पार्टनर्स के रेमुनरेशन है वो कितने कितने बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स एज पर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन कितना बन रहा है अभी पार्टनर का। तीन पार्टनर बताया ना आपने, एक आपने कबीर बताया, एक आपने जोरावर बताया और एक आपने पारुल बताया, ठीक है जी। तीनों के हम लोग, है ना, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया, कोई फॉर्मेट नहीं है भाई, है ना। ये सिर्फ मैं कितना रेमुनरेशन जाएगा हर एक पार्टनर को वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कबीर और जोरावर को तो सैलरी देनी है हमें, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक तो हम सैलरी देंगे कबीर और जोरावर को 24,000 की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पारुल को 2% सेल्स का कमीशन मिलेगा, तो मैं लिख रहा हूं जो कमीशन है वो सिर्फ किसको मिलेगा, पारुल को। तो पारुल का कमीशन मिलेगा 1 लाख, कैसे बनेगा, 50 लाख रुपए का आपके पास सेल्स है उसका 2%, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है, जरा 5% के हिसाब से हम कैलकुलेट तो करें कितना आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखोगे कबीर का 5,20,000 रुपए का कैपिटल, 5,20,000 इंटू 5% ही बोला तो 52,000 का आधा 26,000, ठीक है। और इसका बनता है 3,20,000 का, जोरावर का 5%, 32 का आधा 16,000 और इसका बनता है 3,20,000 का 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000 रुपए, ठीक है जी। अब आप देखोगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें 5% जो है वो चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मैं चार्ज कर लूंगा, वो तो लिया जाएगा ना पार्टनर से, तो वो हम लोग लेने वाली बात अलग लिखेंगे, ठीक है। अभी देना क्या है, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीन चीजें देनी है और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर मारने का। एक बार जरा आप टोटल लगा करके देखो, इनका टोटल लगा करके, डिविजिबल प्रॉफिट तो तब आएगा जब प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट बचेगा नहीं तो डिविजिबल कौन सा, समझो। अब एक बार मैं टोटल मार देता हूं, 20, 20, 40 और 50, 50,000 तो हम सीधा सीधा कबीर को दे रहे, 40 इसको दे रहे और इसको ही दे रहे 1,10,000, तो क्या मेरे पास प्रॉफिट सफिशियंट है या 2 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बैठा है, अवेलेबल प्रॉफिट केवल और केवल 1,55,500 है। तो इस सिनेरियो में जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा, अवेलेबल प्रॉफिट कैसे, एक तो मेरे पास ये जो अपने पास 1,55 पड़ा है ये वाला, है ना, ये 1,55 को जो मुझे बांटना, 1,55 है या पता नहीं 1,55,500 है, 1,55,500 है ना, ठीक है। तो ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है मुझे इसको बांटना होगा किस रेशो में, इसके रेशो में, ये अप्रोप्रिएशन है टोटल, ये अप्रोप्रिएशन इतना बनता है। तो मैंने बताया था आपको जब प्रॉफिट आपके पास सफिशियंट नहीं होता तो उस अवेलेबल प्रॉफिट को आपको अप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना होता है, तो इस केस में वही चीज है। तो अप्रोप्रिएशन का जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है,
5:4:11, मैंने 0:0 हटा दी इन सब में। ये एक बार आप रेशो अपने पास एसएस ले लो, इस रेशो में हम लोगों को जो है वो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी। ले लिया आपने, अब आप देखोगे सर प्रॉफिट कितना, अवेलेबल प्रॉफिट तो मेरे पास 1,55,000 है। अच्छा और भी तो है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से चार्ज करना है, ये चार्ज कर सकते हैं। मैंने बोला था ना पार्टनरशिप फॉर्म से हम ले सकते हैं, लेकिन जितना पार्टनरशिप फॉर्म के पास प्रॉफिट है उससे ज्यादा दे नहीं सकते पार्टनर्स। तो 1,55,000 का तो अवेलेबल प्रॉफिट है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिला करके हमारे पास जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए कितना कितना बनेगा, ये बोलता है ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अब जरा एक बार समझना, 60,000 का कितना परसेंट बताया क्वेश्चन में, 5% इनटू समझो 6/12। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई होती, मतलब 6 महीने। तो 60,000 का 5% 6 महीने का, ये तो एक पार्टनर की ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, इंटू 3 कर देंगे, हमारे पास 3 पार्टनर है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आ जाएगा 3,000 का 15 की 4,500 रुपए, ये 4,500। तो आपके पास जो टोटल अप्रोप्रिएशन है ना वो 1,60,000 रुपए, दिस इज टोटल अवेलेबल प्रॉफिट, जिसको मुझे इस 1,60,000 को मुझे 5:4:1 के रेशो में, 5:4:11 के रेशो में डिवाइड करना, दैट्स इट, ठीक है जी। तो आप अब देखोगे क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है जी। एक बार एसएस ले लो, इसको कंप्लीट कर लेते, ले लिया होगा। चलिए जी, आप चाहें तो नीचे वो नोट डाल करके लिख सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन अवेलेबल प्रॉफिट आर लेस देन, इन दिस क्वेश्चन टोटल अवेलेबल प्रॉफिट आर लेस देन अप्रोप्रिएशन, देयरफॉर द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन अप्रोप्रिएशन रेशियो, है ना। हमने अवेलेबल प्रॉफिट को, हम अवेलेबल प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस देखिए छोटा सा क्वेश्चन, बस सफिशियंट इतना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,55,500, 1,55,500। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देते हैं हम लोग, कबीर जोरावर और पारुल, यही थे नाम, कबीर क्या कैपिटल अकाउंट यूज होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं है कि कौन सा कैपिटल, जोरावर कबीर जोरावर और पारुल, ठीक है जी। देखिए तीनों का मैंने जो आपके सामने निकाला था वो 1500 निकाला था, आप वर्किंग नोट से रेफर कर देना, 60,000 का 5% इंटू 6/12, ठीक है, टोटल आ जाएगा 4,500। और यहां पर डायरेक्ट हम अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर, याद है मैंने एक दिन आपको बताया था कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट रहा था, वहां पे हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम था, तो मैंने अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया और लिखा क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है जी। आज भी वही लिखेंगे, आज अलग अलग लिख नहीं सकते ना क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हो गए, इसीलिए तो कबीर जोरावर और पारुल कैपिटल। अब देखो रेशियो क्या बैठेगा बेटा, वो 5:4:11, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जो टोटल हमारा प्रॉफिट है 1,60,000 का, इस 1,60,000 को 5:4:11, मतलब 1,60,000 5:4:11 मतलब 5/20, ये कबीर का हिस्सा 20 को 8,840, 40,000 तो कबीर का आ जाएगा, कबीर जोरावर 1,60,000 इंटू 4/20, 20 8 4 32,
32,000 रुपये आ जाएगा जोरावर का हिस्सा, और पारुल का आ जाएगा बेटा 160 इंटू 11/20 88,000। दिस इज योर आंसर 40, 32, 88। कॉन्सेप्ट समझ आया? ये कुछ न्यू था, नोट कर लीजिए बच्चों। किसी बच्चे को अगर अभी भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। देखिए ऐसा लिखा है 53 में, राम एंड शाह सॉरी एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। एक्स और वाई दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो रहे 1 अप्रैल 2018 को। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर रुपीज 2,00,150 रेस्पेक्टिवली, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए की इनकी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। On 1st October 2020, X gave ₹50,000 as loan to the firm. X ने 50,000 रुपए का लोन दिया फर्म को, और as per the provision of partnership deed के जो provisions हैं, उसके according, first point is 20% of the profit before charging interest on drawing, but after making appropriation was to be transferred to general reserve. हमें general reserve बनाना है 20%। कैसे बनाना है? Profits में से interest, profit में interest on drawing नहीं जोड़ना। भाई profit और interest on drawing एक ही side पे लिखा जाता है credit side पे, तो वो नहीं जोड़ना, लेकिन प्रॉफिट में से सारा जितना भी अप्रोप्रिएशन है, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो माइनस कर दो। उसके बाद जो अमाउंट है उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। समझाएंगे और अच्छे से। सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट करना है इसका, याद रखना। फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे लास्ट में ट्रीट करना है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 12% पर एनम के हिसाब से अलाउ करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी, राइट? एक्स टू गेट मंथली सैलरी ₹4,500 एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। एक्स को तो 5,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा, वाई को 22,500 मिलेगा पर क्वार्टर का। मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के टाइम पीरियड को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। तो एक्स को तो मिलेगा ₹5,000 सैलरी पर मंथ का, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, और वाई की जो सैलरी है 22,500 इसे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो इससे एनुअल सैलरी आएगी वाई की। X is entitled to commission of 5% on sales. X को sales पे 5% का commission देना है, और आगे sales में mention है कितनी है? Sales है 3,50,000. Fifth point, profit to be shared in the ratio of their capital up to 175 and balance equally. अब जो profit होगा ना आपको question में, वो 1,75,000 तक तो आप बढ़ोगे capital के ratio में। इनकी जो capital दी हुई है ना question में ऊपर 2 लाख और 1.5 लाख, मतलब 4:3 बता दूंगा कैसे निकाला। उस रेशियो में आपको 1,75,000 को बांटना है, और बाकी जो है उसे इक्वल आपको बांटना है। अब आगे क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या है, इसे स्टार मार्क कर लेना भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें। पास द सॉरी प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर अलाइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। अब आपके पास प्रॉफिट जो है वो 4,61,000 का दिया है। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई पर रुपीज 1,00,125 रेस्पेक्टिवली, ड्रॉइंग्स भी दी हुई है, एक्स की 1 लाख और वाई की 1,25,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को बांट करके बताना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है जी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज आप लोगों के लिए हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है? आप लोगों को जर्नल एंट्रीज आती है, प्रैक्टिस करनी। देखिए जी, आइए पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा भाई ये वाला क्वेश्चन, है ना? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर आ गया अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिएगा बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते। मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट को सबसे लास्ट में ट्रीट करना, क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है सर 4,61,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें जो है वो चार्ज करना है, हमने किया नहीं है। तो एक्स ने लोन दिया था 50,000 का 1 अक्टूबर 2020 को, तो इस पे इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो यहां से लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। कैसे? 50,000 का 6%, याद है 6%? जब हमारे पास
पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा तो हम 6% रेट करेंगे इनटू 6/12। 6/12 क्यों लगा, यहाँ एवरेज नहीं लिया है इसने बंदे ने, जो आप देखोगे लोन जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को दिया है, मतलब अक्टूबर में दिया, अक्टूबर से लेके मार्च तक, आगे आने वाले मार्च तक 6 मंथ होते हैं, 6 × 3 = 3000 का आधा 1500 रुपए, ये माइनस करेंगे 4,59,500 का प्रॉफिट है। सबसे पहला जो बच्चा मिस्टेक करता है वो यही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% हमें, वो हम लोग देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, 2,12,000, 2,12,000 24,000 रुपए तो हो गया एक्स का, और 1,50,000 का 12%, 15,18,000 रुपए, ठीक है, 15,000 का 10%, हाँ ठीक है 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के बाद ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाले पॉइंट पे 10% है, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, याद करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हो तो 6 मंथ का चार्ज होगा, तो एक्स कैपिटल एक्स में जाएगा, देखिए एक्स की ड्रॉइंग से 1,00,000 सबसे नीचे दे रखा है, 1,00,000 का कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला 10%, 10/100 इंटू 6/12, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई, 1,00,000 का 10% 10,000, 10,000 का 6 महीने का 5,000, ऐसे ही वाई की कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट कितना बनेगा 1,25,000 का इसका ड्रॉइंग है इंटू 10% इंटू 6/12, तो 12,500 का आधा 6,250, ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आगे सुनिएगा, एक्स को मंथली सैलरी देनी है 5,000 टू सैलरी, एक्स को देना है 5,000 पर मंथ का, 5,000 × 12 = 60,000, वाई को देना है 22,500 पर क्वार्टर, तो इंटू 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये आ जाएगा 90,000 रुपए, ठीक है जी। मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया है, फोर्थ पॉइंट, एक्स को कमीशन देना है 5% सेल्स पे, तो टू कमीशन एक्स का कैपिटल, तो कमीशन आपको 3,50,000 का कितना देना है 5%, 35,000 का आधा 17,500, ठीक है जी, कमीशन भी दे दिया मैंने। नेक्स्ट मेरे पास लिखा है प्रॉफिट बाद में बांटेंगे, पहले 20% जो है वो हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में, जरा देखिए जनरल रिजर्व का अमाउंट देखिएगा टू जनरल रिजर्व। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा जरा समझिए, यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाल, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल इसलिए नहीं इसको मैं पूरा बोलूंगा क्योंकि इसमें 459,500 में ये नहीं जुड़ रहा है, ये 11,250 रुपए नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट में से बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर चार्जिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, सारा रेमुनरेशन माइनस कर दो डेबिट वाला, बट ये वाला आपको नहीं जोड़ना, तो 4,59,500 में से आपको लेस करना 24 और 18, 20, 30, 40, 42, 1,50, 1,92, 1,92 और 1,99, 2,09,500 रुपए ये मुझे माइनस करना है, 0,0,0,0, 5 में से 5, 4 में से 2 गया, 2,50,000, 2,50,000 का हमें 20% जो कि 50,000 आता वो ट्रांसफर करना है। आगे बात समझ में, तो जर्नलिज्म में जाएगा कितना, 2,50,000 का 20% जो कि 50,000 रुपए, ठीक है जी, ये 50,000 रुपए जर्नलिज्म में डाल दिया। अब जो आपका प्रॉफिट आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट कितना आएगा देखो 459,500 इसमें से मुझे लेस करना है, ये ऐड करना है 11,250, 11,60,60,70,70,500, 4,70,750, इसमें से सब माइनस कर दो, अब जो आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा, 2,50 में से 50 गया 2,00,2,11,250, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2,11,250 आ रहा है, माइनस कर दिया मैंने इसके टोटल में से ही सारा माइनस कर दिया, 2,11,250 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है,
175,000 तो आप बांटोगे कैपिटल के रेशो में, और बाकी कितना बचेगा 25 और 10 35 36,250 रुपए बांटोगे इक्वल इक्वल, ठीक है जी। ये तो बटेगा इक्वल इक्वल 1:1 में, और ये बटेगा कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो क्या है, इनकी 2 लाख और 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1,50,000। तो आप जरा रेशो देखना क्या होगा, 2 लाख और 150, काट दो इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ तो 50,000 से काट, 4:3, इस 4:3 में हमने इसको बांटना है 175 को। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, चलिए मैं कर देता हूँ। 1.75 एक्स को मिलेगा 1.75 × 4/7, तो ये आएगा एक्स का 7 × 14 बचेंगे 3, 7 × 35, 25,600, 1,00,000 रुपए तो एक्स का, और वाई का आ जाएगा 75,000। तो देखिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो मैं लिख रहा हूँ, एक्स और वाई, एक्स का आएगा 1,00,000, इसका आएगा 75,000। ये पहले 1.75 को बांटा, फिर 36,250 का आधा 18,125, 18,125, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,18,125 तो एक्स का, और 75,85,93,125 ये वाई का आ जाएगा। ओके बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन 53 का जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन 53 का ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन हम बना चुके हैं। अब देखिए इस मेथड में आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको बनाने। अब फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है ये आपको क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी नहीं दिए हैं, तो मुझे जो है वो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट ही बनाना, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है। यहां हम लोग लिख रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है जी। यहां पर मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं, और फिर हम जो आगे चल रहे हैं देखिएगा क्या है। इसमें क्वेश्चन में लिखा था आपके पास पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते थे 2,01,50,000 रुपीज है, तो बाय बैलेंस पीडी 2,01,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखा था 12% जो है वो लगाना है, तो 24,000 तो इसका हो गया और 18,000 जो है वो इसका आया था, ठीक है जी। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की बात बोली थी, तो ड्राइंग्स जो है वो हम लोग डेबिट में नोट करते हैं। तो टू ड्राइंग्स पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है वो क्वेश्चन में लिखी हुई है 1,00,000 और 1,25,000, सबसे नीचे लिख रखा था 1,00,000 और 1,25,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्वेश्चन ने बताया था आपको कि 10% है लेकिन 6 मंथ का निकलेगा, ये बात हमारी हुई थी जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दी भी नहीं होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज होता है। तो 1,00,000 का 10% 10,000, 6 मंथ का 5,000, और 1,25,000 का 10% 12,500, 6 मंथ का 6,250, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मैं क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे जो है वो लाइंस पढ़ पढ़ करके उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा हूँ। आपको पता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो ही आइटम्स जनरली डेबिट में आते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ड्राइंग, एक अगर लॉस हो तो लॉस आ जाता है, अदरवाइज प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली, ड्राइंग्स की बात कर ली। एक्स को सैलरी देना है 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो बाय सैलरी एक्स का बनता है 60,000, 5,000 × 12, और वाई का जो है वो 22,500 पर क्वार्टर बनता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करना होता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने निकाला 22,500 × 4, और इधर हमने निकाला सैलरी में 5,000 × 12 है ना, क्योंकि ये मंथली था और ये वाला क्वार्टरली था, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप लोग। नेक्स्ट इसमें आपको और चीज जो लिखनी है, एक्स को कमीशन देना है 5% सेल्स पे 3.5 लाख का, तो बाय कमीशन एक्स को बेटा कमीशन देना है हमें, तो ये आ जाएगा एक्स का कमीशन हमारे सामने 17,500, ठीक है, 5% ऑफ 3,50,000,
प्रॉफिट हमें शेयर करने के लिए बोला था अलग अलग तरीके से, तो हमने वर्किंग नोट बनाया था प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपको याद है 1,18,000 और कितना आया था 125, ये तो आया था एक्स का, और वाई का जो आया था 93,125 है, ठीक है। ये हमने सारा प्रॉफिट वाली कैलकुलेशंस लिखी थी, ठीक है। अगर आप देखोगे एक्स ने लोन दिया है, लोन वाली बात हमें नहीं लिखनी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा और ना ही जनरल रिजर्व वाला अमाउंट आएगा, ये बात हमारी पहले हो चुकी है, राइट। तो क्वेश्चन 53 का जो आपके पास बैलेंस सीडी आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, बैलेंस सीडी टोटल कर देंगे इसका, पार्टनर्स कैपिटल का टोटल, ये टोटल माइनस करेंगे इसमें से, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। 3,14,625 तो एक्स का आ रहा है और वाय का आ रहा है हमारे पास 2,19,872, ये इस तरीके से बैलेंस शीट जो है वो मैंने लिख दी है। टोटल आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल जो भी आ रहा है आप लोग कर करके लिख देना भाई, राइट। अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है बेटा, तो जर्नल एंट्रीज हम लोग आपके साथ करते हैं। देखिए हटा दें इसको, इन सभी पॉइंट्स की जर्नल एंट्री भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, ड्रॉइंग्स की नहीं होती बाकी सबकी, ड्रॉइंग्स की भी कर सकते हैं हम जर्नल एंट्री। देखिए क्वेश्चन 53 का ही जर्नल एंट्री वाला पोर्शन, अब आपके पास चॉइसेस है, आप दो दो एंट्रीज करना चाहते हैं या सिंगल एंट्री करना चाहते हैं। तो बेटा पहले की तरह मैं आपके सामने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा, है ना, और उसके नीचे हम नरेशन मेंशन करते जाएंगे, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एंट्री भी होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है वो चार्ज किया गया है ना, यानी दिया गया है, हमने तो दिया है। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन, एक्स ने लोन दिया था ना, उसके हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में, उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 50,000 का 6% 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर में लोन दिया था, फॉर प्रोवाइडिंग IOL टू एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स सबसे पहली एंट्री, ठीक है जी। इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ाया था वो एंट्री है, फॉर ट्रांसफरिंग IOL टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन को, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हुआ और वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आपकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कितना अमाउंट आएगा माइनस करके 4,59,500। आपको पता है हमारे पास जो टोटल कैपिटल, जो टोटल प्रॉफिट था 4,61,000 था, उसमें से 1,500 का अभी हमने जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बाकी बचा 4,59,500। स्क्रीनशॉट लेके जाइए, अब लाइन वाइज हम लोग एंट्रीज पास करेंगे, जैसे हमारे पास सीक्वेंस था, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, तो आप देखिएगा मैं आपके सामने फिर से रखता हूँ बाकी की जर्नल एंट्रीज को, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज 31 मार्च को होगी। देखिए इसके आगे की जर्नल एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूँ, जिसको अलग अलग सेपरेट एंट्रीज करनी है वो सेपरेट कर सकता है, ठीक है। मैं आपके सामने कंबाइंड एंट्री लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल,
फोर आप अपना अपने आप को साइलेंट कर ले बेटा। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कंबाइंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा से ऐसे लिख देते हैं अपन, कंबाइंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो यहां पे आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था 24,000 तो इसका और 18,000 वाई का, 42,000 रुपीज से एंट्री होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम चार्ज करेंगे तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होगी, एक्स का कैपिटल डेबिट, हम लाइन वाइज एंट्रीज कर रहे हैं ना, वाई का कैपिटल डेबिट। देखो जो पार्टनर को देना है ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू एक्स और वाई, और जो पार्टनर से लेना है ना जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वहां पे एक्स वाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सबसे इजी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 5,000 रुपए और 6,250 रुपए, टोटल 11,250 यहाँ पे लिख देते हैं। आईओडी चार्ज फ्रॉम पार्टनर, आईओडी चार्ज कर लिया पार्टनर से, खत्म हो गई एंट्री। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हो गई। अब सैलरी वाली एंट्री, जब सैलरी देंगे तो सेम एंट्री होगी, मैं हटा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा बच्चों, मुझे सिर्फ ये अमाउंट हटाने हैं और ये हटा देते हैं। ठीक है, ये वाली एंट्री तो पूरी चेंज होगी। नेक्स्ट एंट्री जो है वो सैलरी देने की है, सैलरी के लिए सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, एक्स को 60,000 देनी और वाई को 90,000 देनी, टोटल 1,50,000 का सैलरी। कैलकुलेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया था हमने। ओके राइट, तो ये सैलरी की एंट्री हो गई। इसके बाद एक्स को कमीशन देना है, तो कमीशन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, नरेशन में कमीशन टू कमीशन पेबल टू एक्स, ये अमाउंट हमने निकाला था। कमीशन का कितना आया था बेटा हमारा अमाउंट, 350,000 का 5%, 17,500। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चाहिए। लास्ट एंट्री जो है वो प्रॉफिट शेयर करने से पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये रिजर्व बनाने की एंट्री जो मैंने कहा ना सबसे लास्ट हम लोग फॉलो करेंगे। तो जनरल रिजर्व हमने बनाया था 250,000 का 20%, 50,000। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया था वाई। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज एक बार ऐसे से लो। लास्ट एंट्री प्रॉफिट की एंट्री होनी है और एक ड्रॉइंग की एंट्री होनी है। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने। देखिए अब हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री तो यही रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स वन, अमाउंट चेंज होता है। देखिए ये सब सीक्वेंस में एंट्रीज हो रही है हमारे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई, एक्स में आएगा 1,18,125 और इसका आएगा 93,125, दोनों का टोटल अगर आप देखोगे तो 211,250। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, नरेशन में यही चीज मेंशन करनी है। ठीक है जी, राइट, ये सारी की सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट होती है। ये ड्राइंग्स वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने वैसे तो सिर्फ आपसे जर्नल एंट्री पूछी अप्रोप्रिएशन की, तो ड्राइंग्स वाली एंट्री नहीं होती, आईओडी की हमने करी ली है। तो ये आपका 53rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है जी, आप चाहे तो ड्राइंग्स की एंट्री वैसे कर भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ड्राइंग एक्स और वाई ने की,
इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। वैसे तो पहले ड्रॉइंग टू कैश होती है, लेकिन उन्होंने पहले एक्स वाई टू कैश कर दीजिए, कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं हम लोग या बैंक कर दीजिए। ठीक है, ये ड्रॉइंग्स कैसे होगी, 1,00,000 रुपए और 1,25,000, 2,25,000 ड्रॉइंग्स में ड्रॉइंग से अलग अलग एंट्री कैसे होती सर? हाँ जी टोटल अमाउंट से 2,25,000 से, फिर आप एंट्री करते एक्स डेबिट वाई डेबिट टू ड्रॉइंग्स, है ना। तो आपकी एंट्री जैसे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स लिख रखा है ना अभी हमने जो लिखा था, तो वैसे अगर डबल एंट्री करते तो पहले आपको करनी होती ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या पहले आप करते एक्स डेबिट वाई डेबिट टू ड्रॉइंग पहले अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। जैसे अपन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू ड्रॉइंग्स लिख करके आए ना, तो आप लिखते पहले एक्स का कैपिटल डेबिट 1,00,000, वाई का कैपिटल डेबिट 1,25,000 और टू ड्रॉइंग्स 2,25,000। नेक्स्ट एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,25,000। मैंने ड्रॉइंग से ड्रॉइंग कट करके कंबाइंड एंट्री बना ली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हटा दें, जर्नल एंट्रीज हो गई, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो गया। अब बेटा आज ही के एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन 54 और डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन 54 करते ही हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन 54 क्या कहता है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम और श्याम दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन 1st April 2020 देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3,00,000 एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। अंडरलाइन करना, यहाँ पे लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल, या फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखते ही यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ओके राइट, नेक्स्ट है आपके पास On 1st October, they decided their total capital should be ₹6,00,000 in their profit sharing ratio. Okay, अब इन्होंने profit sharing ratio वाली बात बोल दी है। आगे लिखा है accordingly they introduced extra capital or withdrew excess capital. अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि दोनों चाहते हैं 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल 6,00,000 रुपए हो जाए, जिसकी कम है वो लेकर के आएगा, जिसकी ज्यादा है वो लेकर के जाएगा। ठीक है, दोनों की कम है, दोनों ही लेकर के आएंगे। आगे लिखा है अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल एंड विड्रू एक्सेस कैपिटल, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक 18% पर एनम चार्ज करना है। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 टू राम एंड अ क्वार्टरली सैलरी टू ₹4,500 टू श्याम हमें देना है, और ड्रॉइंग्स जो है वो राम और श्याम की इस तरीके से हुई है। 30th September 2020 में राम ने 20,000, श्याम ने 15,000 निकाला, और 31st December को राम ने 20,000 और श्याम ने 25,000 रुपए निकाला। आगे क्वेश्चन ने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वॉज टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। हमें 10% इस प्रॉफिट का जर्नलिज्म में डालना है, मतलब इस 1,50,000 का 10% डालना है, मतलब 15,000 रुपए। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको क्या बना करके देना है, इनको करंट अकाउंट भी बना करके देना है, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बना करके देने हैं। ठीक है जी, अब आपको यहां पर एक चीज थोड़ी सी जो ध्यान रखनी है वो ये है, कि हमें जो कैपिटल है वो 6,00,000 रुपीज करनी है ना। देखिएगा अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ इस क्वेश्चन की, है ना। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल और नाम है इनके राम श्याम, राम श्याम ही है ना, यस, यहां पे राम और यहां पर श्याम। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल राम के पास है 3,00,000 रुपए की,
और शाम के पास है 2.5 लाख रुपए, टोटल 5.5 लाख रुपए के इनके पास कैपिटल। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन 1st October 2020, जो भी है ईयर कौन सा चल रहा है, सपोज 2020 है, 2020 टोटल कैपिटल, हमारी जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, शुड बी 6 लाख। अभी अगर आप देखोगे टोटल कैपिटल कितनी है दोनों के मिलाकर, 5.5 लाख रुपए। ये कहता है 6 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, 6 लाख की कैपिटल भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी ये 6 लाख की कैपिटल में 1 अक्टूबर को ऑन 1st October 2020 एक्स की कैपिटल होनी चाहिए, एक्स कैपिटल शुड बी 6 लाख का 3/5, 3,60,000 एक्स की कैपिटल होनी चाहिए, अभी तो 3 लाख ही है, तो ये 60,000 इंट्रोड्यूस करेगा 1st October, राइट। एक्स की कैपिटल क्वेश्चन ने जो लिखा है वो इस तरीके से लैंग्वेज लिखा है कि इनकी जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए, इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 6 लाख रुपए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो 6 लाख में एक्स का हिस्सा आएगा 3/5, मतलब 360, ये 1st October को होनी चाहिए, पहले 3 लाख ही थी, अब 60,000 और लगा दी 1st October को, तो 360 हो गई। ऐसे ही जो वाई की कैपिटल है वो होनी चाहिए 6 लाख का 2/5, मतलब ये हो गया आपका 2,40,000। अभी इसकी 250 है शाम की कैपिटल, मैंने एक्स और वाई लिख दिया, राम और शाम है, राम और इधर शाम, ठीक है, तो शाम की कैपिटल 240 होनी चाहिए, अभी है 250, तो 10,000 रुपए शाम जो है वो ड्राइंग कर लेगा, ड्राइंग अगेंस्ट व्हाट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। और जो क्वेश्चन में बातें लिखी है ना वो तो अलग है, वो जो ड्राइंग्स लिखी है वो अलग ड्राइंग है, जो नीचे लिखी है ना ड्राइंग्स विदाउट इन्फॉर्मेशन, जो ड्राइंग्स गिवन होती है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, और उसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हम लोग यूज में नहीं लेते, मतलब ये हमारी वैसे तो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल हमारी चेंज हो रही है, पहले 3 लाख थी अब 60,000 हो गए, ओपनिंग कैपिटल थी, ये क्लोजिंग कैपिटल आ रही है हमारी, ठीक है, हमने ओपनिंग से क्लोजिंग नहीं कैलकुलेट की है, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी 360 और 240, हमें तो ये वैल्यूज पता करनी थी कि कब कौन सी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है और कब विड्रॉ हुई है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब हम लोग आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अभी इसके बेसिस पे मैं आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाता हूं, देखिए हटा दे, देखिए अब जो है वो हमारा ये वर्किंग नोट 1 हो गया था, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैं राम की कैलकुलेट कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम यहां लिख देता हूं, देखिएगा राम का 1st April 2020 से लेके 1st October 2020 तक तो कैपिटल 3 लाख थी, ये 3 लाख, इस 3 लाख पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे क्वेश्चन में वो दे रखा शायद 12%, वेट 12% इंटू 6/12, तो ये तो इसकी ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होती है वो आया 1st October 2020 से 31st March 2021 तक। अब इसकी कैपिटल 60 और प्लस हो गई तो टोटल 360 का 12% इंटू 6 मंथ के लिए। मैंने आपको बताया था इसको आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, भाई 1 अप्रैल 2020 से लेके पूरा 31st मार्च तक 3 लाख का पूरा 12% निकाल दो पूरे साल का, और ये 60,000 अभी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो 60,000 का 12% नेक्स्ट 6 मंथ के लिए निकाल दो, वो भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपए रही थी 1st October तक, तो 1st October तक मतलब 6 महीने का आपने 3 लाख पे 12% निकाल दिया, फिर 1st October में आपकी जो कैपिटल थी वो 360 हो गई, 3 लाख थी और 60,000 और एडिशनल इंट्रोड्यूस हुई, तो 360 का 12% 6 मंथ का कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप देखिए कितना आता है 6%, 6 18,000 रुपए तो इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गया, 3600 × 6 ये कितना आएगा 6 18,000 और 6 × 3600 रुपए 21,600 रुपए टोटल आ जाएगा बेटा आपका, ये जो टोटल आ रहा है 21 और 18 39,600,
ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्राफ, राइट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। ऐसे ही अब आपको शाम की कैलकुलेट करनी, वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे शाम। शाम का पहले 250,000 थी कैपिटल, तो 250,000 का हमें कैलकुलेट करना है कितना, 12% 6 मंथ था, फिर 10,000 इसने विड्रॉ कर लिया, तो अब 240 का 12% 6 मंथ का निकालना है, राइट। 250 का अपन अगर कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपए, तो ये आ गया, और 12 से 12 कट गया, 2400 इंटू 6 2400 इंटू 6 6 दुनी 12 और 6 चौक 24 14,400 इसका, राइट। तो ये आपका हो गया 29,400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ शाम, ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा ये हमारा वर्किंग नोट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी मैंने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन वगैरह नहीं बनवाया, इस क्वेश्चन में पंगे यहीं पे ही है बहुत सारे, वो तो बन जाने इजीली। देखिए नेक्स्ट, अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन है, मैन वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राम। अब पहले राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए, आपके पास लिखा है क्वेश्चन ने कि 30th सितंबर 2020 को राम ने 20,000 विड्रॉ किया और 31st दिसंबर 2020 को 20,000 फिर विड्रॉ किया। अब आपके पास डेट ऑफ ड्रॉइंग दी गई है, तो पहले आप देखेंगे 30th सितंबर 2020 से लेके वो जो ड्रॉइंग रही वो 31 मार्च तक रही, हमें कंपेयर करना है 31st मार्च 2021 से, राइट। तो आपके पास पहले 6 महीने के लिए तो 20,000 का कितना परसेंट, 20,000 का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 18% इंटू 6/12, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, 9 9 दुनी 18 1800 रुपए तो ये आ गया, राइट। और फिर आपके पास 31st दिसंबर को आपने फिर निकाला 2020 से लेके मार्च 2021 तक, ये 3 महीने ही होते हैं। अगेन 20,000 रुपए राम ने निकाले, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है वो डायरेक्टली टाइम पीरियड दिया हुआ है तो टाइम के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। इसमें 3/12 तो ये आएगा आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 6 2 6 3 6 2 20 से 20 कैंसिल, 3 3 9 और 2 से कटाई 100 टाइम 900 रुपीज, तो टोटल आ गया 2700 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग राम का, राइट। ऐसे ही शाम का वर्किंग नोट 5 में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं शाम की। चलो मैं ऊपर ही कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं से हटा करके यहीं पे कर देता हूँ, ले लिया होगा राम की जगह शाम, देखिएगा शाम। अब शाम ने 15,000 रुपए का ड्रॉइंग किया था, तो 15,000 का 18% 6 मंथ का, फिर इसने 25,000 का ड्रॉइंग किया 18% इंटू 3/12, डेट तो वही है, इसमें दिसंबर को निकाला, इसमें सितंबर को निकाला, दोनों को कंपेयर किया मैंने 31st मार्च 2021 से, तो आप देखेंगे 6 2 जा कि 9 बचेगा, 150 इंटू 9 कितना होता है, 15 में 135 1350 रुपए तो यहां कर दी इसने, और यहां पे अगर हम देखें 6 3 जा 6 2 जा 20 से 20 कैंसिल, 2 से कटा 125 इंटू 9 9 5 45 4 9 2 18 और 22 9 9 2 11, तो ये टोटल आ गया आपका 24,075 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये शाम का आ गया, राइट। चलिए जी अब फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब सिर्फ मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट पर 5 हमारे वर्किंग नोट्स बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिएगा अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बहुत इजीली बन जाएगा हमारे पास, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000, राइट। अब यहाँ पे
सबसे पहले आप जनरल रिजर्व लिख दीजिए, क्वेश्चन बोला था 1:50 का 10%, तो डायरेक्टली आपने 15,000 रुपए तो जनरल रिजर्व के लिख दिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 से। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख रहे हैं राम का नाम, राम की कैपिटल वर्किंग नोट 2 से निकाली थी और श्याम की वर्किंग नोट 3 से निकाली थी। वर्किंग नोट जरूर मेंशन कर देना ताकि जो भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए। 39,600 और 29,400। ठीक है, इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी हमने कैलकुलेट किया ही है। वर्किंग नोट आई डोंट नो 4 था या 5 था, 4 5 था राम का वर्किंग नोट 4, श्याम का वर्किंग नोट 5, इसका 2,700 रुपए, इसका 2,475 रुपए। राइट, ये हमने कैलकुलेट जो किए थे वो लिख दिया। अब एक सैलरी और देनी हमें, तो 2 सैलरी क्वेश्चन में मेंशन है, इसीलिए राम, राम्स करंट अकाउंट लिखना है ना, कैपिटल कहीं पे भी नहीं आएगा, करंट वर्ड लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोला, राम के आगे करंट लिख देना इनके आगे भी। ठीक है, सैलरी होगी राम की आपके पास 2,000 रुपए मंथली सैलरी है, 2,000 × 12 24,000 राम की सैलरी हो गई, और शाम की है 4,500 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 18,000 ये शाम। ठीक है, राइट, ये सारे के सारे आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे, और आपको सिर्फ अब बैलेंस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके आप लोग जो भी बैलेंसिंग अगर प्रॉफिट बैठता है उसे आप शेयर करेंगे, राम का करंट अकाउंट, श्याम का करंट अकाउंट। राम का आ रहा है 17505, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहा हूं मैं 11670। ठीक है, इसे इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका टोटल आप करते रहिएगा, है ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कंप्लीट होता है। हटा दूं, देखिए अब इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना और करंट अकाउंट बनाना। देखिए कैपिटल अकाउंट पहले बना लेते क्योंकि बहुत छोटा सा है, राम और श्याम, राम श्याम, पी फॉर पर्टिकुलर, राम श्याम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना है हमें, ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास इनिशियली था 3,00,000 रुपए और 2,50,000। अब इस क्वेश्चन में राम ने तो एडिशनल कैपिटल लगाई थी बाय बैंक करके 60,000, और श्याम ने ड्राइंग की थी टू बैंक करके, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल 10,000। इनका जो बैलेंस सीडी आया था वो मैंने आपको 3,60 और वो निकाल के बताया था वर्किंग नोट 1 से 2,40 ऐसे। देखो इनकी कैपिटल आ गई 6,00,000 रुपए टोटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो बेटा ये तो इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। अब करंट अकाउंट में आप लोग करंट अकाउंट बना लेंगे, इसका सिर्फ आइटम्स लिखते जाने हैं भाई। ठीक है, तो देखिए करंट अकाउंट में सिर्फ आपने जो लिखे हैं वो सब लिखने, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, राम श्याम, राम श्याम, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, फटाफट से एसएस ले लेना, क्लास फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बाय बैलेंस बीडी में कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है, और इधर टू ड्रॉइंग्स है, ये अगेंस्ट, ये वाली अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप फटाफट से लिख लीजिए इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बता देता हूं 39,600, 29,400, सैलरी जो है ये पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,475, ड्रॉइंग्स इसकी हो गई 40,000 टोटल, वो अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो ब्रैकेट में दी हुई, और इसकी भी 40,000। ठीक है, सैलरी आप लोग लिख लेना जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी 24,000 और 18। पार्टनर्स करंट अकाउंट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पार्टनर्स करंट का बैलेंस सीडी जो है वो आपके पास 38,405 और 16595। अब इसका टोटल करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा,
राइट। तो ये आपके पास उसका बैलेंस ही दिया गया। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस तो नील थे, वो तो हमारे पास गिवन ही नहीं है राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन 54 कंप्लीट हो।